प्रेसिडेंट मुकर्रर किया। पाकिस्तान की तारीख से मुतासर होकर मैंने अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर मैं असेंबली का इलेक्शन लड़ा इस हल्के से, सुन्नूती बाग के हल्के से, और मैं इलेक्ट हुआ और सियासत में मैंने कदम रखा। वो जज्बात तारीख पाकिस्तान का था, मुसलमानों की जिंदगी और मौत का था, कायद आजम जिना की क्यादत का था, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने हमको मुतासर किया हुआ था। तो उस जज्बे के साथ हम काम कर रहे थे। नगर में रह रहा था, वहां पाकिस्तान के दोस्तों ने यह मशवरा दिया कि श्रीनगर छोड़ के मैं चला जाऊं और जो पुंछ में तारीख चल रही है उसकी हिमायत करूं। चुनांचे दोस्त के जरिए मैं वहां से निकला और मुजफ्फराबाद से होता हुआ एबटाबाद पहुंचा, और एबटाबाद से होता हुआ फिर मैं गया लाहौर। लाहौर में कायदे आजम को मिलने की कोशिश की, वहां ना मुलाकात हो सकी, पर मैं वापस आ गया और मरी में हमने हेडक्वार्टर बना लिया। मरी में आकर हमने हेडक्वार्टर बनाया और उस वक्त ये किसी की तारीख नहीं थी, ये अपनी जिंदगी और मौत का सवाल था। हम चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ आए, हम हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। और हरि सिंह महाराजा जो था वो हिंदू था, वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ हिलाक हो। तो इस शदीद तारीखी अमल में हमने ये सोचा कि नव नवर हमने अपने बच्चों की, मैंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, उनको भी श्रीनगर में छोड़ के तो मैं चला आया। फिर ये मरीज में होकर हमने सारी तारीख चलाई, हथियार हासिल किए, सामान हासिल किया, दरियाए के पार ये सामान भेजा, रातों रात भेजा। तो 50,000 फौज हमने 2 महीने में तैयार की और उसने लड़ाई लड़ी, और 2 महीने में हमने डोगरा फौज गिलगित लद्दाख और सारे इलाके में मासवाई जम्मू के सारे इलाके में खत्म कर दी। चुनाव से सिपाहियों के पीछे तक हम पहुंच गए और गिलगित लद्दाख सारा इलाका और हरीश